कुछ लोगों की पात्रता पर्ची एम मित्र ऐप के माध्यम से डाउनलोड नहीं होती है, तो क्या कारण है जिस कारण से वो ऐप के माध्यम से डाउनलोड नहीं हो रही है, और उसमें क्या आपको अपडेट करना पड़ेगा, कैसे आप उसकी जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऐप के माध्यम से एक पात्रता पर्ची उसे डाउनलोड करने का प्रयास करूंगा और उसमें जो एरर आ रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक परिवार आईडी डाली है और इसके डालने का जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आती है कि डेटा डाउनलोड बाधित हो गया है, पुनः प्रयास करें। ये देखिए, तो ये जो पर्ची है ये ऐप के माध्यम से डाउनलोड नहीं हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर सिस्टम पे मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, rasanmitra.nic.in। इस वेबसाइट में यहाँ पर जो साइड में तीन डॉट दिख रहे हैं इस पे आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन प्रारूप पात्रता में पर्ची प्रबंधन, इस पे क्लिक करें। यहाँ जाने के बाद रिपोर्ट ऑप्शन में जाएं और परिवार विवरण ऑप्शन पे क्लिक करें। देन जो भी आपकी परिवार आईडी थी जिससे आप पात्रता पर्ची डाउनलोड कर रहे थे और एरर आ रही थी वो आप यहाँ पर टाइप करें। देन ये जो कैप्चा दिया है और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करें। इससे जो भी आपकी परिवार की डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पात्रता पर्ची स्टेटस, इसमें लिखा हुआ है परिवार राशन की प्राप्त कर रहा है, पात्रता पर्ची की प्रति प्राप्त करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज संबंधित ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में जमा कराकर सत्यापन कराना होगा। इस कारण से ये जो पर्ची है इनकी डाउनलोड नहीं हो रही है क्योंकि ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालय से। तो सबसे पहला काम इनको ये करना है कि जो भी इनकी राशन से संबंधित दस्तावेज है, जिसमें जैसे कि आप समग्र आईडी लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, बीपीएल कार्ड लेके जाएं और राशन कार्ड लेके जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाकर जो आपका ग्राम पंचायत है, वार्ड कार्यालय है या लोक सेवा केंद्र है वहाँ पर जाकर आपको इसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एम मित्र के ऐप के माध्यम से।